जय जय श्री राधे श्याम। देखिए हम लोग कहाँ हैं, हम लोग हैं ब्रज में, और ब्रज में कहाँ हैं हम लोग, हैं बरसाना में। तो हमने मंगला आरती जो कि बरसाने की थी वो कंप्लीट कर ली है, और आपके आप सबके साथ एक कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ ब्रज के लोगों के बारे में। तो जैसे मैं जब सीढ़ियों के ऊपर जा रहा था ना मंदिर में, मतलब एक माता जी थी, तो उनका कोई भारी सा सामान था, उनका मैंने जो उठा के जैसे ऊपर ही रखा, तो उन्होंने बोला आपने उसके अंदर बिस्किट के पैकेट्स थे कट्टे के अंदर में, तो बोली आप भी ले लो तीन चार, मेरे नैनी माता। तो ये देखो हमने जो करा उसके बदले हमें ऑफर बिस्किट, मतलब कितने अच्छे लोग हैं, बोलना नहीं आ रहा। आप बताइए भाई साहब आपको कैसा लगा मंगला आरती। ये हमारे निखिल भाई साहब, इंट्रोडक्शन का मैं भूल गया, जैसे आप सबके बारे में सबको पता ही कौन है, हमारे परम सखा है उनका नाम। आज का कुछ ऐसा आनंद है जो कि मैं अभी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे तो अभी हम बरसाना परिक्रमा मार्ग में हैं और ऊपर से माता रानी के दर्शन कर आ गए हैं महल से, जो कि हर बार की तरह इस बार भी एक अनुभव बहुत अद्भुत था। और वृंदावन के बारे में क्या ही बात करें, और वो भी बरसाना रज राधा रानी के महल जहाँ उनका घर जहाँ वो रहते हैं, क्या ही बात करें उनके बारे में। यहाँ तो एक परम आनंद है, अगर आप चाहते हो ये आनंद लेना तो आप भी आओ बरसाना, अपना मंगला आरती लो यहाँ पे, और एक अलग ही आपको यहाँ पे एहसास होगा, एक अलग अलग आनंद की अनुभूति होगी, और जो कि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। अभी फ़िलहाल इस टाइम मैं रंगीली गली में जा चल रहा हूँ, इस गली को रंगीली गली बोलते हैं, देख सकते हो आप। पूरी दुनिया में जो लठमार होली फेमस है वो इसी गली में होती है, जो कि कृष्ण भगवान किसी टाइम पे राधा रानी के साथ यहाँ पे लठमार होली खेला करते थे। तो अभी फ़िलहाल मैं उसी गली में चल रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ और फील कर रहा हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मेरे को आज भी वही टाइम लग रहा है सेम, जो किसी टाइम पे भगवान कृष्ण यहाँ पे अपनी ग्वाल वाल के साथ और राधा रानी के साथ यहाँ पे होली का आनंद लिया करते थे। तो भक्तों मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा, तो आप बने रहना हमारे चैनल में। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम नीचे आ चुके हैं, हमने जैसे कि बरसाने के मंगला आरती हमने कंप्लीट कर ली है, तो हमने डिसाइड किया था थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे हम। तो ये हमारी, चलो मैं आपको दिखाते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट कहाँ करें, देसी ब्रेकफास्ट है, समोसे वगैरह करेंगे, देसी टपरी पे बैठे हुए हैं, जो कि मुझे बहुत ही आनंद आता है टपरी में खाने में। मेरे को कोई रेस्टोरेंट या फाइव स्टार होटल एंड ऑल ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आप ब्रज में आए हो तो ऐसी टपरी में आप ट्राई करो, आपको यहाँ से रेस्टोरेंट और ढाबे होटल से बहुत बढ़िया खाना मिलता है और बहुत चीपेस्ट प्राइस भी मिलता है और प्लस टेस्ट भी होता है, और जो मज़ा इन टपरी में है वो कोई ढाबे रेस्टोरेंट में नहीं है। और ये हमारे सोनू भैया है, ये हमारे शुक्ला अंकल जी है, और हमारी माता जी आ रही है, देखो वो आ रही है। तो हमने फाइनली डिसाइड किया है कि जो ये ब्लॉग है बरसाना का, जो मंगला आरती का था, तो यहीं पर एंड करेंगे। तो अगला जो ब्लॉग हमने जो डिसाइड किया है वो शायद से मथुरा का होगा, और मथुरा में चलो अपडेट आपको देंगे, क्योंकि तो हम बोलेंगे राधे राधे।